हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज पॉल फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन यूनिट 3 इनक्रेडिबल इंडिया एंड द टॉपिक इज इंडियाज हेरिटेज। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज हेरिटेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम ऑफ द स्टेट दीज आर लोकेटेड इन। ओके, योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, दिस इज अ 2000 ईयर ओल्ड स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ 2000 ईयर ओल्ड स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर। इट इज द सेकेंड हाइएस्ट स्टैचू इन इंडिया। इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। यू हैव टू फिल हियर कर्नाटका। डियर स्टूडेंट्स, ये गोमटेश्वर की मूर्ति जो है लगभग 2000 साल पुरानी है और ये हमारे इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका राज्य में स्थित है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इलोवरा केव टेम्पल। इट इज़ द बिगेस्ट केव टेम्पल। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये एलोरा केव टेम्पल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा केव टेम्पल है और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल इन योर बुक महाराष्ट्र। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द अक्षरधाम टेम्पल विच इज़ लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है डियर स्टूडेंट्स, ये अक्षरधाम टेम्पल है जो यमुना नदी के किनारे हैं। ठीक है, इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ये इंडियन कला संस्कृति की एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण भी है। इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। ये दिल्ली में स्थित है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, दिस ग्रेट स्तूप एट सांची इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। ये ग्रेट स्तूप है सांची का, जो बुद्धिस्ट की मनुस्मृति है। इट इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल इन योर बुक मध्य प्रदेश। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी। दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी विच इज़ अ फेमस हिंदू पिलग्रिम सेंटर। ए लार्ज रथ यात्रा टेक प्लेस हियर एवरी ईयर। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा। ओके, यू हैव टू फिल हियर उड़ीसा। एंड दिस इज़ द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ओके, विच इज इन उड़ीसा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इट इज़ अ मोन्यूमेंट्स द नेम ऑफ विच, सॉरी स्टूडेंट, इट इज़ ए मोन्यूमेंट द नेम ऑफ विच मीन्स टू वर्ड्स, फोर एंड टावर। इट इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिल हियर तेलंगाना। ओके,
Now come to the next page, that is industrial place. Okay, industrial place. Dear students, our India is a developing country. It has many industrial place. Some of these places are famous for their products. As you all know, dear students, अपना जो भारत देश है यह एक विकासशील देश है. यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लेस हैं जिसमें से कुछ फेमस हैं फॉर देयर प्रोडक्ट. ओके, सम स्टेट आर फेमस फॉर देयर प्रोडक्ट. ओके, फाइंड द इंडस्ट्रियल प्लेस इन द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. ओके, यू कैन सी हियर A puzzle is here. You have to fill here, okay? With the help of these clues. These across statements and down. Okay? So let's start. First, we will fill from across clues and then we will fill from down clues. Okay? So question number second is, this place is famous for silk sari. Okay, the right answer of this question is Visakhapatnam. Okay dear students, so you have to fill here Visakhapatnam. Okay, oh sorry students, you have to fill here Kanchipuram. Okay, it was my mistake. Here you have to fill Kanchipuram. Okay, now come to the next. This place is famous for leather goods. Okay, now come to the puzzle. This place is famous for leather goods. Okay, then you have to fill here Agra. Okay, now come to the next. Next is, this place is famous for iron and steel. Dear students, as you know, you have to fill here Jamshedpur. Okay, Jamshedpur. Okay dear students, now come to the next. This place is famous for its textile. Answer is Dharival. Dharival is famous for textile. Okay, now come to the next. Ninth is, this place is famous for white marble. Okay, the answer is Kota. Kota is famous for white marble. Now come to the next down. Okay, this place is famous for ship building. Okay, this place is famous for ship building. The answer is Visakhapatnam. Okay, the answer is Visakhapatnam. Then after, question number third is, this place is famous for its glass work. Okay, answer is Firozabad. Dear student, you have to fill in your book Firozabad. Now come to the next. This place is famous for sport and woolen goods. Answer is Ludhiana. Okay, you have to fill here Ludhiana. Ludhiana is famous for sports and woolen goods. Okay, next is, this place is famous for coal mines. Okay,
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झारिया. झारिया इज फेमस फॉर कोल माइंस. ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. दिस प्लेस इज फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्रीज. ओके, योर आंसर इज मुंबई. मुंबई इज फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्रीज. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे.